नमस्कार, जय जय सियाराम। पूजा पाठ के इस परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण हमें कब करना चाहिए, इस विषय पर भी जो है बहुत ज़्यादा युद्ध छिड़ा हुआ है। तो शास्त्र के अनुसार हम आज आपको जन्माष्टमी व्रत के पारण का समय बताने जा रहे हैं। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित इसी प्रकार की दिव्यात दिव्य जानकारी हम आपके लिए लाते रहते हैं। पारण के विषय में ब्रह्मवैवर्त पुराण का एक विशिष्ट श्लोक प्राप्त होता है। तिथिरष्टगुणं हन्ति नक्षत्रं च चतुर्गुणं तस्मात् प्रयत्नतः कुर्यात् तिथ्यान्ते च पारणम्। अर्थात अगर आप तिथि में ही पारण करते हैं, जन्माष्टमी तिथि में ही पारण करते हैं, तब आपका 8 गुना जो है वह पुण्य नष्ट हो जाएगा, और अगर आप नक्षत्र में पारण करते हैं तब आपका 4 गुना पुण्य जो है वह नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रयत्न पूर्वक तिथि के अंत में पारण करना चाहिए, नक्षत्र के अंत में पारण करना चाहिए। अगर आप 6 तारीख को ही जन्माष्टमी का व्रत मना रहे हैं तब आपको 7 तारीख को शाम को 4:14 के बाद पारण करना चाहिए, क्योंकि शाम को 4:14 तक अष्टमी तिथि रहेगी और रोहिणी नक्षत्र 7 तारीख को सुबह 10:25 में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए तिथ्यांते पारणम इस नियम के अनुसार तिथि के अंत में पारण करना चाहिए। तो शाम को 4:14 के बाद जो है आप पारण कर सकते हैं, परंतु अगर आपके लिए यह समय बहुत अधिक हो जा रहा है तो एक प्रमाण यह भी कहता है कि सूर्योदय के बाद जो है आप पारण कर सकते हैं। तो सुबह 6:11 में लगभग सूर्योदय है, तो उसके बाद भी आप पारण कर सकते हैं। तो दोनों मत प्राप्त होते हैं, सूर्योदय के बाद भी पारण किया जा सकता है और तिथ्यांते पारणम के अनुसार शाम को 4:14 के बाद जो है हमें पारण करना चाहिए। अब अगर आप 7 तारीख को जन्माष्टमी का व्रत रह रहे हैं तब आपको पारण कब करना चाहिए, तब जो है आपको सूर्योदय के बाद पारण कर लेना चाहिए। दूसरे दिन भी सुबह 6:11 के बाद जो है यह पारण का समय आरंभ हो जाएगा 8 तारीख को। तो इसलिए आपको 8 तारीख को सुबह 6:11 के बाद पारण कर लेना चाहिए, क्योंकि तिथि नक्षत्र तो बहुत पहले ही समाप्त हो गए हैं। तब आपको सूर्योदय का नियम पालन करना चाहिए कि सूर्योदय के बाद आप भगवान का पूजन करके विसर्जन करके इसके बाद जो है आप पारण कर सकते हैं। आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।